Hello everyone, Nivedita is here and the video for today is based on the topic features of algae. Means actually we are studying the chapter 3 plant kingdom. This is the video for the students of class 11th biology. So it begins with the algae, means classification video. Already the previous video was including this. Okay. So this video majorly consisting of features, general features, not particular one, general features of algae. So begin with this. General features means, you know, when we say algae, so it is not plant like this, as the plants have the root, shoot, leaves and all. But when we say algae means the body cannot be differentiated in such parts. Okay. So this type of body in which we cannot differentiate them, this is called thallus. Okay, so the plant body is thalloid and maybe unicellular, colonial, filamentous or parenchymatous. So they are aquatic one, and they may also found in the terrestrial habits, but it should be moist. Okay, moist places mein ye grow karegi, ya wet soil jahan par hoga wahan grow kar sakti hai. एंड ये तो प्लांट्स हैं नहीं, तो इनके पास वेस्कुलर टिश्यूज नहीं हुआ करते. ओके, वेस्कुलर टिश्यू ही मैकेनिकल टिश्यूज होते हैं. वेस्कुलर टिश्यूज मीन्स यू टॉक ऑफ यू स्टडी द जाइलम एंड फ्लोएम, वो इसमें नहीं हुआ करते हैं. तो ये वेस्कुलर टिश्यूज टोटली एबसेंट होते हैं, मतलब ये बहुत बड़े नहीं हो सकते. फिर अब रिप्रोडक्शन जो हुआ करता है, इट इज़ बाय ऑल मीन्स लाइक वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल. सो वी विल गो थ्रू कि वॉट आर द डिफरेंट मीन्स. ओके, दिस इज लाइफ साइकिल इज वेरियस हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड डिप्लो हैप्लॉन्टिक. वट डज इट मीन? सी, मीनिंग यू कीप इन माइंड, इट विल बी ईजी टू लर्न. लाइफ साइकिल में उसका स्टार्टिंग जब जर्मिनेशन से लेके पूरा अगला जनरेशन, ये पूरा कैसे होता है. ओके, सो हैप्लॉन्टिक मीन्स उसकी पूरी लाइफ साइकिल में यदि हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट होती है तो उसे हैप्लॉन्टिक कहते हैं, यदि डिप्लॉइड स्टेज डोमिनेट होती है तो उसको डिप्लॉन्टिक कहते हैं, और यदि इक्वल इक्वल होती है, हैप्लॉइड स्टेज एंड डिप्लॉइड स्टेज, ओके, दोनों इक्वल इक्वल होती है. हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या है मालूम है ना, जब हम एन क्रोमोजोम नंबर हम एन शो करते हैं वो हैप्लॉइड होता है, और यदि हम टू एन लिखते हैं, टू सेट्स, तो वो डिप्लॉइड होता है. तो यदि इक्वल इक्वल इस टाइम के लिए है तो दैट इज डिप्लो हैप्लॉन्टिक. Now there are three types of algae. We will study these groups: chlorophycee, pheophycee and rhodophycee. Chlorophycee means green algae, pheophycee means brown algae and rhodophycee means red algae. So pheophycee and rhodophycee, they are marine. Okay, and chlorophycee members green algae. ये fresh water में भी मिलेंगे, तो हम इनको बाद में बहुत detail में पढ़ेंगे. Now this is a comparative study of green algae, brown algae and red algae. See, this table is very valuable. इस table के through हम basically जो main characteristics हैं उनको एक साथ पढ़ सकते हैं, और ये तरीका हमें याद रखने के लिए भी बहुत आसान होगा. जैसे मैंने बताया कि इनका habitat क्या है, तो green algae जो होती है वो fresh water में मिल जाती है हमें, जबकि brown और red है ये marine है. So all these features are there. You can have the notes from the this. Okay. So different तरीके से इसमें means different parameters को लेते हुए ये table को ready किया है. बहुत सारे parameters consider किए गए हैं. Okay. किस तरीके का chlorophyll है, reserve food कैसे store होता है, cell wall जो है वो उसका composition क्या है, किस तरीके के pigments present हैं, ठीक है, जू स्पोर्ट्स जो है वो उनकी लाइफ में होते हैं या नहीं होते हैं, तो इस तरीके से वो विथ एग्जाम्पल दिस इज टेबुलेटेड हियर. सो दिस विल बी गुड फॉर द स्टडी, एंड दिस द स्टडी विल बी कन्वीनियंट ऑल्सो. नाउ रिप्रोडक्शन, हम बेसिक मतलब रिप्रोडक्शन में जब हम वहाँ पढ़ेंगे, जब मेजरली एक एक ग्रुप को पढ़ना शुरू करेंगे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट पढ़ेंगे, फिर इन टर्म्स को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी.
तो ये रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यदि उनमें होता है तो इट अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, स्टोलन्स, एडवेंशियस ब्रांचेस यदि वो बड़े हैं, एल्गी की साइज बड़ी है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज वहाँ होती है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इफ वी टॉक ऑफ, इट अकर्स बाय नंबर ऑफ एसेसरी स्पोर्स लाइक जू स्पोर्स, एप्लेनो स्पोर्स, एकाइनीट्स, ओके, कार्पो स्पोर्स, बहुत सारे तरीके के स्पोर्स हैं, ये इस तरीके से रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। एंड द मोस्ट कॉमन इज जू स्पोर्स। जू स्पोर्स मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, जब हम जू स्पोर्स कहते हैं मीन्स मोटाइल स्पोर्स, मोटाइल मीन्स मोबाइल, मोबाइल मीन्स दे आर हैविंग द फ्लैजिला, वी आर टॉकिंग ऑफ द फ्लैजिलेटेड स्पोर्स, ओके। सो जू स्पोर्स रिप्रोडक्शन बाय जू स्पोर्स इट इज वेरी कॉमन, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स इट अकर्स बाय द फ्यूजन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, मीन्स मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट। सो दिस फर्दर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ थ्री टाइप्स, थ्री टाइप्स, वन इज आइसोगेमी, सेकेंड इज एन आइसोगेमी एंड थर्ड इज द ओगेमी वन। नाउ हाउ दे डिफर, डिफर आइसो, वर्ड आइसो मीन्स सेम, मीन्स इसमें जो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, इन ऑल रिस्पेक्ट्स दे आर सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली वो सिमिलर होते हैं दोनों, एंड वेन दे फ्यूज दे गिव राइज टू द जाइगोट, ओके। सो वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ स्पायरोगैरा। बट वेन वी से एन आइसोगैमस, सो दिस इज अ फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, ओके, मीन्स स्ट्रक्चरली दे सिमिलर गैमेट्स एंड दे डिफर इन देयर बिहेवियर एज वेल एंड दे डिफर इन देयर साइज एज वेल। एंड जनरली वॉट हैपन्स, मेल गैमेट इज मोर एक्टिव एज कम्पेयर टू द फीमेल वन, ओके। सो दिस इज एन आइसो, एन एन आइसो मीन्स डिफर। एंड वेन वी से ओगैमस, विच इज अ थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, तो इसमें जो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं इसमें से जो फीमेल गैमेट होता है वो बड़ा होता है, इट इज लार्ज इन साइज एंड सेकेंडली इट इज नॉन मोटाइल, राइट। एंड जो मेल गैमेट होता है दिस इज स्मॉलर एज वेल एज इट इज मोटाइल, ये मोटाइल होता है, इसके पास रिजर्व फूड्स नहीं हुआ करते हैं। So this is the different types of sexual reproduction which is seen in the algae. Now overall this is a very general, means I told you that this video is just carrying the general things about the algae, and in the next video we will go to the main. Okay, so algae is general, their importance is बहुत सारे ऐसे, जैसे लाइक फ्यूकस एंड लैमिनेरिया, दे आर द रिच सोर्सेस ऑफ आयोडीन, ये बहुत बड़े साइज के एल्गी हैं, ये फ्यूकस हम इसको पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में, लार्ज साइज के हैं ये, ठीक है। सो मेनी ऑफ एल्गी दे आर इडेबल, खाई भी जाती हैं, ठीक, सो मेनी प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम देम, इज इट, एल्जीनिक एसिड भी ऑप्टेन किया जाता है फ्यूकस एंड सार्गसम लाइक एल्गी से, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी ब्राउन एल्गी, वेल्गी बहुत बड़ी साइज की होती है, ये इनको खाया भी जाता है, राइट। थैंक यू।